देते नमस्कार, मैं शिवम तिवारी, स्वागत है आपका सागर खबर 24 में। आज हम आपको लेकर आए हैं सागर जिले के संजय ड्राइव इलाके में, संजय ड्राइव क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर रैकवार समाज के लोगों ने यहां पर व्यवसाय करने वाले, मछली का व्यवसाय करने वाले रैकवार समाज के लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है। काफ़ी देर से यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। लोगों द्वारा यहाँ पर सागर कलेक्टर को बुलाकर उनकी मांगें पूरी करने की बात की जा रही है। आइए हम जानेंगे लोगों से ही किस तरह की परेशानियों को लेकर आज उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। बात करते हैं आंटी, क्या नाम है आपका? शांति भाई रेखवाल। आज किन मांगों को लेकर आप लोग ने हमने इसलिए मांग करी है क्योंकि हम लोग के बच्चे सिंगाड़ी लगाए हैं। पहले मछली पालन करते थे, मछली में धंधा चलता था। अब उनके पास कुछ नहीं है, उनने सिंगाड़ी लगाई। अब प्रशासन का आदेश आया है कि जड़ से सिंगाड़ी उखाड़ के फेंको, कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी के काम के चलते पिछले 3 या 4 साल से तालाब जब से बेकार पड़ा है, कुछ धंधा नहीं है हम लोग के पास। चार साल से हम लोग भीख मांग रहे हैं, कगार पे खड़े हैं बिल्कुल। इनके अलावा आय के और कौन से साधन हैं? हम लोग के पास कोई साधन नहीं है। लगभग लगभग कितने परिवार हैं? हम लोग के व्यवसाय पर चार पाँच सौ परिवार के आदमी हैं। आज किस तरह की कार्रवाई की गई कि आप लोग को ये प्रदर्शन करना? हम लोग की इस बार की कार्य, हम लोग को अभी सूचना मिली कि निगम से अधिकारी आ रहे हैं सिंगाड़ी पटाने के लिए, तो हम लोग इसलिए आके धरना धर लिए, बैठ लिए। और जब तक अगर कोई ने भी सिंगाड़ी में हाथ लगाया उसका ऑब्जेक्शन बुरा होगा। बोल रहे हैं कि अगर कोई भी यहां पर आकर उनके व्यवसाय को क्षति पहुंचाने का काम करता है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आइए आइए और लोगों से बात करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामेंद्र रेखवार। किस तरह की परेशानी आज हुई थी कि आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा? हमारी रेखवार समाज 3 साल से बैठी है, कोई रोजगार नहीं हम लोगों के पास। शिक्षित भी रोजगार है, लड़के कोई आय का स्रोत है नहीं इसमें। अब इस साल हम लोग थोड़ा सिंगाई लगा ली, पानी भर गया तो निगम प्रशासन से हमारे पहले कुछ नहीं बोला। अब आज निगम प्रशासन सिंगाड़ी उखाड़ने के लिए आ गए, हम लोग कहाँ जाए? आप रोजी रोटी कहाँ कहाँ, बच्चे कैसे पाले हम लोग अपने? जैसे कि आप लोग बता रहे हैं लगभग 500 परिवार, मतलब लगभग 2000 से 2500 लोग इसी चीज़ पर आश्रित हैं। अगर ये प्रशासन द्वारा आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, जहर पाइजन पियेंगे। हम लोग काका ऐसे मरने से ऐसे पाइजन पी के मर जाओ, भूखे वैसे ही मर रहा है, कोई रोजगार का स्रोत है ही नहीं हम लोगों के पास। अभी क्या मांगे लेकर बैठे हैं? हम लोग इसलिए बैठे कि हम लोगों की सिंगाड़ी लगी रहने खाड़ी न जाए प्रशासन द्वारा। हम लोग किसी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन मिला? अभी किसी अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला हम लोगों के लिए। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। परेशानी ये सर कि हम लोग रोजी रोटी की मतलब एक जरिया ये ही है, और अभी अचानक से निगम वो निकालने लगी सिंगाड़ी तो तालाब उसी के काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, झलकुम्बियाँ भी लगी हुई हैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जो हम लोगों ने रोजगार लगाया है उसको निकालने के निगम प्रशासन अभी यहाँ पे आ गया है। अच्छा, आप लोग कितनी देर से बैठे हैं? आप दो तीन घंटे हो गए? तीन हो गए सर, तीन घंटे हो गए। देर में कोई आश्वासन आपको? कुछ नहीं, ना कुछ प्रशासन हो, कोई आया ना कुछ आया, ना कुछ आश्वासन, कुछ भी नहीं। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की परमिशन भी शायद आप लोग को मिली होगी यहाँ पर खेती करने के लिए? परमिशन शुरू से करते आ रहे हम लोग। कितने समय से? पुछते नहीं, कई सालों से कर रहे हैं, कई वर्षों से करते आ रहे हैं। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा समझाइश देने के बाद लोगों ने चक्का जाम हटा दिया, लेकिन उनकी मांगों को लेकर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। इस मुद्दे पर जब मीडिया द्वारा जवाबदार अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो किसी से भी बात नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24। Yeah!